नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं सुबह सुबह घर के प्रवेश द्वार पर कर ले ये काम, घर में रहेगी हमेशा बरकत। दोस्तों, जिस घर में हम रहते हैं उसका वास्तु हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है, खासकर उसका मुख्य द्वार, क्योंकि मुख्य द्वार से होकर ही कुछ भी घर में प्रवेश करता है। इसी के जरिए सकारात्मक या नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में प्रवेश करती है। ऐसे में अगर मुख्य द्वार का वास्तु सही है तो फिर बाहर से आने वाली नकारात्मक ऊर्जाओं से घर को सुरक्षित किया जा सकता है। पर वहीं अगर घर के प्रवेश द्वार में ही वास्तु दोष है तो फिर नकारात्मक ऊर्जा और शक्तियों को ये स्वयं ही आकर्षित कर लेते हैं और हमारे घर में अनेक प्रकार के विघ्न बाधाएं आ जाती है, जिससे घर की सुख शांति पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसलिए घर के मुख्य दरवाजे का दोष मुक्त होना बेहद आवश्यक है। ज्योतिष और वास्तु शास्त्र के मुख्य द्वार को दोष मुक्त बनाए रखने और इसकी शुभता के लिए कई सारे उपाय बताए गए हैं। आज हम आपको ऐसे ही बेहद कारगर और आसान उपाय बताने जा रहे हैं। ये इस प्रकार से है, घर के मुख्य द्वार पर सुबह के समय उठते ही गंगा जल छिड़क देना चाहिए। इससे घर की शुभता बढ़ती है और आपका घर देवी लक्ष्मी के प्रवेश योग्य बनता है। इसलिए ये कार्य सुबह सुबह घर की स्त्री यानी गृह लक्ष्मी को कर लेना चाहिए। इससे रात में एकत्रित हुई नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और माता लक्ष्मी के आगमन का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। घर के प्रवेश द्वार पर स्वास्तिक बनाने से हर तरह के वास्तु दोष से मुक्ति प्राप्त होती है। साथ ही अगर घर के प्रवेश द्वार को रंगोली से सजाया जाए, इसे देवी लक्ष्मी की आपके घर की तरफ आकर्षित होती है उनकी कृपा, जिससे कि आपके घर परिवार को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। वही घर की शुभता बढ़ाने के लिए हर दिन गृह लक्ष्मी के हाथों घर के मुख्य द्वार पर मंगलकारी तोरण लगाना चाहिए। ये तोरण अशोक या आम के पत्तों, पीपल और कनेर के पत्तों का होना चाहिए, जिसे एक धागे से बांधकर मकान के मुख्य द्वार पर लटकाया जाता है। इससे घर में सुख शांति और बरकत बनी रहती है। मान्यता है कि जिस घर के द्वार पर तोरण बंधा होता है वहाँ देवी देवताओं का आशीष बना रहता है। वहीं अगर बिल पत्र का तोरण बांधा जाए तो इसे किसी भी तरह की नकारात्मक शक्ति घर में प्रवेश नहीं कर पाती। इस तरह तोरण मुख्य द्वार की शोभा बढ़ाने के साथ उसे शुभता प्रदान करते हैं। मुख्य दरवाजे से संबंधित वास्तु। वास्तु के अनुसार घर का मुख्य द्वार पूर्व और पश्चिम दिशा में होना सर्वोत्तम माना जाता है। इस दिशा में स्थित मुख्य दरवाजा घर में सुख समृद्धि लेकर आता है। वहीं घर के दरवाजे हमेशा दो पल्ले के होने चाहिए, क्योंकि वास्तु के अनुसार अगर दो पल्ले वाले दरवाजे नहीं है तो फिर ये मकान मालिक के लिए अल्पायु का कारण बन जाते हैं। इसलिए घर में प्रवेश द्वार हमेशा दो पल्ले के होने चाहिए। साथ ही ये भी ध्यान रखें कि आपके घर का मेन दरवाजा टूटा या सड़ा नहीं होना चाहिए। दरअसल घर का मेन दरवाजा ही आपको सुख समृद्धि और मान सम्मान दिलवाता है। ऐसे में अगर ये सही नहीं है तो इसके नकारात्मक प्रभाव से आपके सम्मान में भी कमी आती है। वही घर का मुख्य दरवाजा लगाते समय ध्यान रखें कि ये हमेशा अंदर की तरफ खुलना चाहिए, क्योंकि अगर घर का दरवाजा बाहर की तरफ खुलता है तो फिर ये आपके लिए खतरे की घंटी बन जाता है। इसके कारण आपको अक्सर अप्रिय और शोक समाचार सुनने को मिल सकते हैं। उम्मीद करेंगे कि आप इन बातें अपने जीवन में सुख समृद्धि अवश्य प्राप्त करेंगे। प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।